आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया और सभी पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने को कह दिया। इसके बाद तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कोहराम मच गया है। महबूबा भागे भागे पहले तो प्रेस के सामने आती हैं और अफवाहों को अपना अंदेशा बताते हुए कहती हैं कि देखो कश्मीर में कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं, जबकि यहाँ सरकार गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, मगर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है जिस तरह से, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ से डिप्लॉयमेंट क्यों? और आज जो एडवाइजरी जारी की गई होम सेक्रेटरी के यहाँ से कि जिसमें टूरिस्ट और यात्रियों को यहाँ से जो है वापस जाने के लिए कहा गया कि यहाँ सिचुएशन ख़राब होने वाली है, तो उससे और भी जो है लोग खौफजदा हो गए हैं। आपने खुद भी देखा होगा बहुत क्योस है, कन्फ्यूजन है, बहुत हालात ख़राब हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में इतना पैनिक कभी नहीं देखा है और मुझे लगता है पिछले 70 साल में इस किस्म का जो खौफ, एक साइकोलॉजिकल जो जंग चल रही है, मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमने कोई जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सुने कि दे आर गोइंग टू टिंकर विद 35A या जो हमारी स्पेशल पोजीशन है। महबूबा मुफ्ती बेचैन हैं और सिर्फ मीडिया के आगे ही नहीं कश्मीर को लेकर अपनी बातें वो रख रही हैं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे भी सियासी खिचड़ी पका रही हैं। तभी तो रात में पहले मीडिया को बुलाती हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती तो सज्जाद लोन से लेकर कश्मीर की सियासत में नई खिलाड़ी शाह फैसल तक से मुलाकात कर लेती हैं और उनसे भी वही कहती हैं कि कश्मीर में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा को रोक दिया, इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की। इसको लेकर कश्मीर की सियासत बौखलाई हुई है और कहीं केंद्र सरकार उसकी चाबी ना कस दे, इसको लेकर कश्मीर की सियासत बौखलाई हुई है। उधर यात्री कश्मीर से लगातार लौट रहे हैं और बाबा के दर्शन ना कर पाने पर उनके मन तो मायूस हैं, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि बात देश के सुरक्षा की है। वापस जाने के लिए नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के हिसाब से आगे खतरा, इसलिए उन्होंने बोला आप वापस रिटर्न हो जाइए, अब यात्रा कैंसिल हो गई है और वापस आज यहाँ से यात्रा पोस्टपोन होने की वजह से यहाँ से वापस हमारे को जाना पड़ रहा है मायूस होके। हाँ जी, हमारे को प्रशासन की तरफ से तो इतना सूचना नहीं, लेकिन आर्मी वालों और पुलिस वालों के तरीके से हमारे बोला गया और बेस कैंप में ये अनाउंस किया था कि यात्रा पोस्टपोन हो गई है। जो भी है, जो उन्होंने बोर्ड वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिया गया है और तकरीबन स्थगित हो गई। मायूस है सर, क्या करे, मायूस है। दर्शन करने आए थे बाबा के पर नहीं हुए, अब फिर अगले साल कभी देखेंगे, समय मिला है हमको तो। हाँ, कहा गया वापिस जाने का, वो टिकट दे दिए, इनने पैसे भी दे दिए रिटर्न। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से लेकर कई बड़े अधिकारियों ने कहा है कि परेशान होने या अफवाहों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्मीर की सियासत चंद वोटों के लिए कश्मीर को अफवाहों की आग में झोंक कर सियासी रोटियां सेकने को बेकरार है और हर कोई यही कह रहा है कि कश्मीर में कुछ तो बड़ा होने वाला है। Report.